हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मध्य प्रदेश सीरीज़। तो इस वीडियो में मैं मेनली शेयर करने वाली हूँ इंदौर जू। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था अपना स्वीट से, ये था एक फैमिली डोसा और ये सांभर और चटनी, एंड उसके साथ लिया था हमने छोले भटूरे। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे इंदौर जू की तरफ। ये था जू का एंट्री गेट। कुछ दूर आते ही हमें ये ईगल का एक स्टैचू दिख गया और ये रोटेट कर रहा था। हम लोग पहले सोच रहे थे ये रोटेट कैसे हो रहा है, फिर समझ में आया कि इतना हवा चल रहा था कि वहाँ पर ये ऐसे घूम रहा था उसकी वजह से। यहाँ पर आते ही आप लोगों को बाएं तरफ दिख जाएगा एंट्री गेट और यहाँ पर पर पर्सन एंट्री था 25 रुपीज़। अंदर आते ही आप लोगों को कुछ ऐसा दिख जाएगा और यहाँ पर आप सीधे भी जा सकते हैं और दाएं तरफ से और एक रास्ता गया, आप उधर से भी जा सकते हैं, पर हम लोग गए थे सीधे। सीधे जाते हम लोगों को दिख गया था ये था मिरकल। आई डोंट नो मैं ठीक से प्रोनाउंस कर पा रही हूँ अगर नहीं, पर ये देखने में बहुत क्यूट था। ये सामने एक बैठा हुआ था और पीछे बोर दो थे। फिर हम लोगों ने देखा जेब्रा, फिर हम लोगों ने देखा ये स्क्विरल मंकी। आप देख ही सकते हो ये मंकी कितना छोटा है और एक जगह टिकता भी नहीं है। मतलब हम लोग जब खड़े थे देख रहे थे तो ये इधर से उधर छलांग ही लगाया जा रहा था, शायद इसीलिए इसका नाम स्क्विरल मंकी होगा। देखने भी बहुत क्यूट था। फिर हम लोगों को दिखा मार्मोसेट। ये भी एक तरीके का मंकी है और ये कहा जाता है कि सबसे समझदार, मतलब बहुत इंटेलिजेंट होता है, और ये भी देखने में बहुत क्यूट था। ये इतना अच्छे से बैठा हुआ था ना, इतना अच्छे से मतलब पोज दे रहा था बैठे बैठे कि इसे पता था कि हम लोग फोटो खींच रहे हैं तो चलो जाकर पोज दे देते, ऐसा वाला सीन लग रहा था। और फिर ये था कॉटन टॉप टैमरिन। ये सबसे छोटा मंकी होता है, मतलब इसका वेट 0.5 kg से भी कम होता है। इसके बाद चले गए थे रेप्टाइल सेक्शन देखने। यहाँ पर पर्सन 5 रुपये का एंट्री टिकट था और पहले हम लोगों ने देखा था किंग कोबरा को, देख ही सकते कैसे मुँह ऊँचा करके बैठा हुआ था। फिर हम लोग देखे थे ये बर्मीज पाइथन को, वो उधर। ये था रेड सन बोआ। और ये था रसल वाइपर, देख ही सकते ये भी कैसे बैठा हुआ है। फिर हमने देखा था रेड स्नेक को, ये उधर कोने में था। और ये था मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एनाकोंडा, मतलब आप देख ही सकते हो ये कैसे पेड़ को जकड़ कर बैठा हुआ है और कैसे ये देख भी रहा था। और लास्ट में ये था रेटिकुलेटेड पाइथन। फिर हम लोग यहाँ से निकल के देखने चले गए थे एलिगेटर्स, यहाँ पर कितने सारे एलिगेटर थे। फिर यहाँ से देखने थे हम लोगों को मगर, मतलब मगरमच्छ, यहाँ पर भी बहुत सारे मगरमच्छ थे। और फिर हम लोग देखने चले आए थे इसे, मतलब देख सकते हो ये एक हिप्पोपोटामस है और उसके साथ उसका एक बच्चा भी है, और इसका ये बच्चा कितना क्यूट है, अपनी मम्मी का साथ ही नहीं छोड़ रही थी। हम लोगों ने कुछ बर्ड्स देखे, ये था वाइट पिकॉक और ये एक पेलिकन था। इसके बाद हम लोगों ने देखा उल्फ, मतलब भेड़िए, वो देख ही सकते हैं आप उधर। फिर हम लोग ये सुंदर सा ब्रिज क्रॉस करके देखने चले गए थे टाइगर्स। आप देख ही सकते हैं उधर बहुत ही दूर ये कुछ टाइगर्स बैठे हुए थे और मेरा कैमरा शायद ठीक से कैप्चर भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोगों ने इसके बाद देखा लायंस, बहुत सारे लायंस थे, मतलब आप शायद दूर, वो ये इतने दूर थे कि कैमरा ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा था, पर यहाँ पर बहुत सारे लायंस थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा लेपर्ड। फिर हम लोगों ने देखे थे हाथी, ये बहुत ही दूर था और हमारे तरफ भी नहीं आ रहा था तो इतना सा ही मैं कैप्चर कर पाई थी। और इसके बाद आता है एक छोटू सा गोल मटोल सा भालू, मतलब ये ब्लैक बियर था। आप देख ही सकते हो ये कितना छोटा है और कितना गोल मटोल है। और देखो ये पीछे से एकदम फुटबॉल की तरह लग रहा था। फिर ये थे कुछ छोटे छोटे टॉर्टोइज़।
और ये एक जू के अंदर फाउंटेन बना हुआ था, यहाँ पर सब लोग फोटो खिंचवा रहे थे। और इसके बाद हम लोग देखने चले गए थे ये छोटे छोटे एलिगेटर्स और उसके साथ इंडियन फॉक्स। और फिर ये एक बर्ड था गोल्डन पीजेंट, ये भी कितना सुंदर लग रहा था। तो फिर हम लोगों ने देखे थे ईगल आउल, आप देख ही सकते हो ये कितने कितने सारे हैं। और ये था एक हॉर्नबिल। फिर हम लोगों ने देखे थे इजिप्शियन वल्चर्स, ये कितने सारे थे आप देख ही सकते हो। और फिर इसके बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ से और गए थे खजराना गणेश टेम्पल। और ये बहुत बड़ा गणेश मंदिर है, मतलब सिर्फ गणेश जी का नहीं और भी सारे मंदिर हैं अंदर। तो पूरे मंदिर का तो फोटोग्राफ अलाउड नहीं है, जो जो मैं फ़ोटो खींच पाई वो मैं यहाँ पर दे रही हूँ। फिर निकलते निकलते हम लोगों को भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने यहाँ से जाके दही बल्ले खाए थे, ये भी खाए थे हम लोगों ने अपना स्वीट से, ये भी बहुत टेस्टी था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब।